हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल डेट इज स्वातीज बायो वर्ल्ड। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेकिंग अप द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन एक्शन। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेशन। नाउ स्टार्टिंग अप विद द वीडियो, अभी तक आप सभी ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, उनके सिक्रेशन के बारे में पढ़ा। आप सभी ने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं बिकॉज दे रिलीज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स। तो हमें आज यही पढ़ना है कि हॉर्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हॉर्मोन्स मैसेज लेके जाते हैं। अब मैसेज लेके जा रहे हैं तो कहीं तो जा रहे होंगे, और जहाँ इन्हें पहुँचना है वहाँ एग्जैक्टली कैसे पहुँचेंगे, यही सब हमें पढ़ना है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड ने कोई हार्मोन सिक्रीट किया, तो वो हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुँचेगा? फॉर एग्जाम्पल थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और भी काफ़ी सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हम बात करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन होता है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पर ही जाके एक्ट करेगा और किसी ग्लैंड या ऑर्गन पर जाके एक्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली लॉक एंड की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ की क्या है? हॉर्मोन, और लोब क्या है? हार्मोन रिसेप्टर। तो कहने का मतलब है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, ब्लड स्ट्रीम में आया, तो उस हार्मोन को अपने जो रिसेप्टर्स थे वो कहाँ मिले? थायराइड ग्लैंड पर मिले। इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने डायरेक्ट जाके कहाँ एक्ट किया? थायराइड ग्लैंड पर। बाकी किसी और जगह उसे अपने रिसेप्टर नहीं मिले, इसलिए उसने वहाँ एक्ट नहीं किया। अब रिसेप्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात की जाए तो ये ऐसे रिसेप्टर हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। अब हॉर्मोन और रिसेप्टर लॉक एंड की तरह वर्क करते हैं। तो उसके बाद जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि एक यूनिट की तरह काम करते हैं, और उसको कहते हैं हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद जो पर्टिकुलर फंक्शन है हार्मोन का वो एक्शन कोज करते हैं। रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, एंड हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू। इसकी बात कर चुके हैं कि हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ही क्या करता है, फिर एक्शन कोज करता है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स की। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स लाइक पेप्टाइड हॉर्मोन, स्टेरॉयड हॉर्मोन। बेटा ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं और पूछ लेते हैं विच इज़ द पेप्टाइड हार्मोन या विच इज़ स्टेरॉयड हार्मोन। तो एग्जांपल्स ध्यान रखना, पेप्टाइड हार्मोन में आते हैं हमारे इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एट्सेट्रा। वहीं स्टेरॉयड हार्मोन्स में आते हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स कैसे होते हैं? लिपिड सॉल्यूबल। आयोडोथायरोनिन्स होते हैं हमारे थायरॉयड हॉर्मोन्स, आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन थे टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। नेक्स्ट होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं हमारे एपिनेफ्राइन। अब दो तरह के रिसेप्टर्स बताए, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ जनरली हमारे पेप्टाइड हॉर्मोन बाइंड करते हैं। वहीं अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात की जाए तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। रीज़न क्या है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। तो क्या होता है, जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की अगर बात करूँ
स्टेरॉयड हार्मोन कैसे होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर क्या करते हैं? वो जो टारगेट सेल है उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, वो लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड होके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है। सेकेंडरी मैसेंजर है हमारे साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयन। अब जो ये सेकेंडरी मैसेंजर बने, ये क्या करते हैं, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, जो पर्टिकुलर फंक्शन है उस हार्मोन का, वो परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात की जाए, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, और ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड होके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करता है। जीनोम के साथ इंटरेक्ट होके क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है, एंड बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट्स इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम समझने से पहले बेटा एक बात ध्यान रखना कि एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है। एंजाइम जो है वो जहाँ बनते हैं वहीं यूटिलाइज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो हैवियर होते हैं, लेकिन हार्मोन की बात की जाए तो हार्मोन बहुत लाइट होते हैं, और यही रीज़न है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई हार्मोन सिक्रीट हुआ है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते हुए हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का वहाँ तक भी पहुँचते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये डायग्राम है हमारा पेप्टाइड हार्मोन का, यहाँ रिसेप्टर कहाँ है, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। तो पेप्टाइड हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होके किस तरह से फंक्शन करते हैं, यही हम इसमें देखेंगे। ये हार्मोन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ एक्ट करता है, उसके टारगेट ऑर्गन होते हैं ओवरी। तो इसका मतलब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसी है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये जो हार्मोन है ये किस तरह वर्क करता है, प्राइमरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, और ये जो रिसेप्टर है इसके साथ बाइंड हो जाता है। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू द रिसेप्टर, अब ये क्या बनाएगा हमारा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा, सेल के अंदर एडीनाइलिल साइक्लेज की प्रेजेंस में जो एटीपी है हमारा उसको कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो जब सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो गया, तो अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, जो फंक्शन है पर्टिकुलरली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उसको परफॉर्म करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, या बेसिकली कह सकते हैं कि ओवेरी की ग्रोथ कराएगा। समझ आया कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ हार्मोन किस तरह से एक्ट करता है, ये हार्मोन है, ये रिसेप्टर है, हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एडीनाइलिल साइक्लेज की प्रेजेंस में एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में, एंड साइक्लिक एएमपी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, और अब ये सेकेंडरी मैसेंजर फंक्शन परफॉर्म करेगा जो भी पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन है। अब बात करेंगे स्टेरॉयड हार्मोन की, कि अगर रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर हैं तो उसके साथ स्टेरॉयड हार्मोन किस तरह से वर्क करेगा। इन दिस फिगर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, मीन्स इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स आर हियर। तो यहाँ स्टेरॉयड हार्मोन किस तरह से एक्ट करेंगे, एस्ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, और मैंने बताया कि स्टेरॉयड हार्मोन कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्युबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इन्हें रिसेप्टर मिलेगा, और रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड होकर क्या बना देगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये बेसिकली क्या करेगा, जीनोम के साथ इंटरेक्ट करके और इसका एक्सप्रेशन कराएगा। अब जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जीन से क्या बन, जो हमारा डीएनए है बेसिकली उससे क्या बनेगा, मैसेंजर
आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और अब ये प्रोटीन क्या करेंगे? पर्टिकुलर जो फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, उनको परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि हॉर्मोन सेल के अंदर आया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, ये हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जीनोम के साथ बाइंड हुआ, और जीनोम के साथ बाइंड होने से इन्होंने क्या करा, जो डीएनए है उसको ट्रांसक्राइब कराया इनटू मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से फिर क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ और प्रोटीन बने। नाउ जो ये प्रोटीन है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो भी पर्टिकुलर हॉर्मोन का फंक्शन है। तो इस तरह से स्टेरॉयड हॉर्मोन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। मीन्स डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो वो कहाँ बनेगा? हमारा साइटोसोल के अंदर। यहाँ इस डायग्राम में कुछ डिफरेंस दिखाया नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखना कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा इनटू द साइटोप्लाज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के साथ ही हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।